लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी मुद्दे पर हुई है तो वो नौकरियों का। एक तरफ तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, तो दूसरी तरफ बीजेपी का 19 लाख नौकरी के अवसरों को पैदा करने का वादा। घमासान दोनों तरफ से है। ये मुद्दा शराबबंदी से लेकर हर चीज पर अब पहुंच रहा है। महंगाई को भी लेकर आज मुद्दा बना, जब प्याज की माला पहनकर निकले तेजस्वी यादव। हमारे साथ तमाम सहयोगी, हमारे सुजीत झा हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कुणाल कुमार हमारे सहयोगी दरभंगा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, आपके साथ शुरुआत करते हुए, प्याज की माला पहनकर निकले तेजस्वी यादव, क्या महंगाई इस बार मुद्दा बन पाएगा? शराबबंदी पर चिराग पासवान फोकस कर रहे हैं, नौकरियों का मुद्दा पहले ही शुरू से एक तरह से चरम पर, और वो मैनिफेस्टो या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो बीजेपी का, उसमें भी उन्होंने उसको रखा है। कौन से मुद्दे हावी रहेंगे जब आज से एक दिन बाद जनता वोटिंग के लिए निकलेगी? सुजीत, देखिए अंजना, जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, वाकई ये मुद्दा है बिहार में, और ख़ास तौर पर हम बात करें कि कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ उसमें बहुत सारे लोग जो देश के विभिन्न भागों में काम करते थे उनको लौट कर आना पड़ा बिहार, और बिहार में उन्हें जो रोज़गार मिलना चाहिए, जो रोज़गार क्या रोज़गार मिलना चाहिए वो मिला नहीं। सरकार ने दावे भी किए थे उस समय, उन्होंने ये भी कराया था कि किसको किस तरह का रोज़गार दिया जाए, तो आगे बात बढ़ी नहीं, क्योंकि चुनाव आ गया बाद में। और हालांकि मनरेगा के तहत बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने का दावा किया गया, लेकिन हम जहां जहां गांव-गांव में घूमते हैं वहां बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। और जाहिर तौर पर अगर बेरोजगारी है और उस पर महंगाई इतनी बढ़ गई है, आपका प्याज की कीमत इतनी ऊँची है, आलू काफ़ी ऊँचे दामों में बिक रहा है, तो ऐसे में तो निश्चित तौर पर आम जनता को ये प्रभावित करती है और ये सारे मुद्दे होते हैं। लेकिन होता क्या है असल में अंजना, कि बिहार है ये, बिहार में अंत में वो जातीय गोलबंदी पर सारा कुछ मामला सिमट जाता है, और जो जिसके पक्ष में अपना मन बना चुका होता है कि वो किसको वोट डालना है उसको, ठीक है इस बार मामला आमने सामने का था और हर बार रहता है एनडीए और महागठबंधन के बीच में, लेकिन इस बार चिराग पासवान के आ जाने से कुछ सेक्शन ऑफ जो लोग हैं उनको लगता है कि एक विकल्प के तौर पर, हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ फायदा होता दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सारे मुद्दे तो होते हैं, लेकिन अंत में वही मामला जातिवाद पर आकर सिमट जाता है। अंजना, बिल्कुल, मुझे लगता है आपकी जो ये आखिरी लाइन है वही त्रासदी रही है बिहार के चुनाव की राजनीति की, क्योंकि कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने में ही तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हैं, क्योंकि यहीं से उन्हें लगता है कि सीधे सीढ़ी ले जाती है सत्ता तक। हिमांशु मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगी इसके बाद, और आपके पास भी कुमार कुणाल, अलग अलग सीटों पर भी चर्चा होगी, कौन कौन सा फैक्टर, कुशवाहा फैक्टर कितना है, चिराग पासवान फैक्टर कैसा है, महागठबंधन में क्या ये जो इस बार हम देख रहे हैं मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी का एनडीए में जुड़ना, वो क्या एलजेपी के निकलने की भरपाई कर पाएगा, लेकिन जातीय समीकरण, बिहार की राजनीति की वो सच्चाई जिसका कार्ड आज तेजस्वी यादव खेल गए। जी हाँ, उनके एक बयान पर जबरदस्त बवाल हो रहा है, जब उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के दौर में उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है उसको राजपूत विरोधी बता रही है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए उन्होंने क्या कहा है, और फिर इस पर नीतीश कुमार ने क्या जवाब दिया है। लालू जी का जब राज था तो गरीब सिंह का तान के बाबू साहब, लेकिन लालू जी सब लोगों को हम साथ लेंगे, जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। नौकरी से लेकर के शिक्षा तक आप भले ही कोई बोलता रहे, जान लीजिए ये सब में कोई दम नहीं है, कोई काम नहीं किया, जिनको किसी चीज की जानकारी नहीं, अनुभव नहीं है, अपने सलाहकारों के माध्यम से कुछ भी बोलना और मेरे खिलाफ बोलना, हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेरे खिलाफ बोलने वालों को खूब प्रचार करने का मौका मिलता, कर लो प्रचार, हमको क्या लेना देना उससे, हमको अपने प्रचार से मतलब नहीं है। हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने परिवार, पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, उसी को परिवार मानते हैं, और हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं। पूरे बिहार की सेवा करना और कि
किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं कर रहा। तो जाति के कार्ड पर परिवार वाले मुद्दे पर नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। जी हाँ, हिमांशु मिश्रा विपक्ष हमलावर है, नीतीश तमतमाए हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति की कहानी इतनी है कि लालू प्रसाद यादव का जंगल राज बीजेपी याद कराना चाहती है। इसी पर जाति कार्ड खेल गए तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि वो क्यों ना याद दिलाया जाए जो उन्होंने जिस तरह से इसको रखा है, ये पूरा जाति का मामला आखिरी के दिन प्रचार के 71 सीटों से पहले उन्होंने खेल दिया है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल जातिगत मामला जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से खेला गया है और अब बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है और बीजेपी जानती है कि इस बार जो है बॉल उनके पाले में आई है और इसको किस तरीके से कैच किया जाए और तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है माहौल बनाया जाए, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी यादव के खिलाफ बहुत कुछ कर नहीं पाई थी और तेजस्वी यादव पूरी तरीके से प्रचार में बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन अब बीजेपी के हाथ में मौका लगा और बीजेपी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। याद कीजिए पिछली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था आरक्षण को लेकर और लालू यादव उसको लेकर पूरी तरीके से घूमे थे और चुनाव जो है पूरी तरीके से पलट गया था और पहले फेज से यह साबित हो गया था कि जो महागठबंधन है वो आगे जा रहा है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ये कहते हुए शायद अंजना भूल जाते हैं कि 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो यही तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के साथ में थे, तो 2.5 साल का एक्सपीरियंस तो उनके पास भी है सत्ता चलाने का। उन्होंने भी देखा है कैबिनेट की बैठकों में किस तरीके से फैसले होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस मुद्दे को उछालना चाहती है और चाहती है कि इसका पॉलिटिकली फायदा लिया जाए। और ये बात सुजीत भी कह रहे थे कि बिहार में अंतिम आते आते जो है पूरा चुनाव जो है वो जातिगत मामले में आ जाता है, चाहे वो आरक्षण का हो या इससे पहले हमने देखा हो महादलित का इशू बना के 2010 में नीतीश कुमार जीत गए थे और 2015 में आरक्षण के मुद्दे के ऊपर जो है लालू यादव और नीतीश कुमार सवार होकर महागठबंधन की इतनी बड़ी जीत हुई थी जिसको बीजेपी ने बहुत लंबे डाइजेस्ट करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। अंजना,